हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही गजब का सर्किट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये एसी डीमर है। इसको आप एक नॉर्मल फ़ैन रेगुलेटर से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, कोई भी इंडक्टिव लोड है जैसे हीटर के लिए, ड्रिल के लिए या कूलर के लिए, सिर्फ इस ट्राइक को चेंज करके सेम सर्किट आपको यूज़ करना है। सिर्फ ये ट्राइक चेंज करना है, वो मैं आपको पूरा बताऊँगा किस चीज़ के लिए कौन सा ट्राइक आप यहाँ पर यूज़ करोगे। अप टू 10,000 वाट आप इस सर्किट को यूज़ जो है कर सकते हैं, जो कि अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो बहुत ही कॉस्टली आपको मिलते हैं, लेकिन घर पे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और जो पीसीबी है, ये भी होममेड पीसीबी है, वीरूबी बोर्ड के मैंने ऊपर इसको बनाया है, जिस तरह से मैं बाकी के सर्किट भी बनाता हूँ। तो मैं पूरा इसके बारे में आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने सर्किट बनाना है। और दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैं देख रहा हूँ कि 80 से 85% लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। शायद मैं लास्ट में बोलता हूँ या वो वीडियो पूरा नहीं देखते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूला करें। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर इसका हम एक डेमो लेंगे किस तरीके से और कितने वाट पर ये काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है ethcircuits.com। आज तक के जितने में भी वीडियोस हैं सभी से रिलेटेड सर्किट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और भी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ से आप अलग अलग हेडिंग है उसके अंदर जिस तरह का सर्किट आपको चाहिए आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जो सर्किट हमने बनाना है, डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हाई वाट डिमर, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन आपके बहुत से कमेंट आए कि सर हमें इसके लिए पीसीबी चाहिए या गर्बर फाइल चाहिए। तो ये सर्किट डायग्राम है इसका, एक हमने ट्रैक यूज़ किया, ट्रैक का मैं अलग अलग नंबर आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं BTA 41, 26, 16, 20। तो ये वाटेज मैंने साथ साथ लिखी है, जितने वाट के लिए आपको चाहिए उस तरह का ट्रैक आप यूज़ करें, सर्किट आपको सेम ही यूज़ करना है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने पार्ट्स लिस्ट जो दी है, अगर आपको फ़ैन के लिए बनाना है तो आप BTA 136 यूज़ करें, और कूलर वगैरह के लिए अगर आपको बनाना तो BT139 आप यूज़ करें। तो यहाँ से ये बाइंग लिंक भी आपको मैंने दिए हैं, अगर आपको मार्केट में सस्ता मिलता है तो वहाँ से आप बाय करें, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह लिंक दिए हैं आपको, क्योंकि बार बार कमेंट आता है कि सर हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आपको मार्केट में नहीं मिले। तो उसके अलावा ये सर्किट डायक है, ये कैपेसिटर है, 500K का कंट्रोल है और 10K की रजिस्टर है। सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 कंपोनेंट्स हमने इसमें लगाए हैं। तो ये वीडियो मेरी ऑलरेडी इस पर बनी हुई थी, लेकिन ये सिंपल पीसीबी के ऊपर मैंने बनाई थी। तो अभी ये एक वीडियो जो मैं और बनाई है, ये हमने पीसीबी डिज़ाइन इसका किया है, तो इसको आप अलग पेज में ओपन कर सकते हैं, अलग पेज में ओपन करके आप इसको सेव कर सकते हैं, और इसका प्रिंट A4 पेपर जो सिंपल हम फोटो कॉपी लेते हैं उसके ऊपर इसका कलर प्रिंट आप निकलवा लें, और जो आपको पसंद है उस तरह का आप कटिंग करके सिंपल पीसीबी को आप बना ले। मैं वीडियो में आगे आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने पीसीबी बनानी है। ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी वीडियोज़ अभी आ रही हैं सभी पे मैंने ये बताया हुआ है। और गर्बर फाइल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप गर्बर फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है, ये पीसीबी लेआउट है। तो चलिए, अभी हम शुरू करते हैं सर्किट को बनाना। तो दोस्तों, प्रिंट मैंने ले लिया है A4 पेपर के ऊपर, सभी तरह के कलर मेरे पास हैं, जो कलर आपको पसंद हो उस कलर की आपने कटिंग इसमें से कर लेनी है, और उसी साइज़ का एक पीसीबी आपने कट कर लेना है, और उसके बाद जो फेवी बॉन्ड वगैरह है उसकी मदद से आपने इसको इसके ऊपर चिपका लेना है, जो कॉपर वाली साइड है उससे अपोजिट साइड में। तो दोस्तों, इसको चिपकाने के बाद आपने इसमें होल कर लेनी है किसी भी पिन से, सभी जगह जो होल हैं बिल्कुल लगभग सेम आने चाहिए, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा उसकी कनेक्टिविटी करना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कनेक्टिविटी करनी है। अगर थोड़ा बहुत होल आगे पीछे है तो भी आप उसको कहीं से भी घुमा के सोल्डरिंग जो है कर सकते हैं, जिस तरह से ये जो होल है सभी जगह आपने जितने भी होल होंगे कर लेने हैं। और ये होल करने के बाद आपने उसके ऊपर एक सेलो टेप जो है, जो ट्रांसपेरेंट टेप है, इसके ऊपर चिपका देनी है, उससे एक तो इसकी लुक थोड़ी अच्छी होगी और थोड़ी मजबूती भी इस पर हो जाएगी, क्योंकि फिर ये जो पेपर है वो ख़राब आपका नहीं होगा। दोस्तों, सेलो टेप मैंने इस पर लगा ली हैं, और उसके बाद फिर से होल मैंने इसके ऊपर कर ली हैं, क्योंकि होल मैंने पहले कर ली तो उसके बाद सेलो टेप मैंने लगाई हैं, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। अगर हम पहले होल पेपर ये टेप लगा के ही होल करते हैं तो कई बार उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अभी पूरे होल करने के बाद पीसीबी हमारी जो है रेडी हो चुकी है, और लुक भी आप देख सकते हैं टेप लगाने के बाद इसमें थोड़ी मजबूती भी आ गई है और थोड़ी चमक भी इसमें आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है ऊपर से कि
कि पीसीबी हमने बाहर से ही ये डिज़ाइन करवाई है या किसी मशीन से बनाई गई है। तो अभी इसमें कंपोनेंट्स मैं कुछ डाल लेता हूँ, किस तरीके से आपने बैक साइड से इसके कनेक्शन करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स मैंने लगा ली हैं इस पर, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से मैं ये कनेक्शन करता हूँ। तो इतना आप देख सकते हैं कि जो ये वायर थी इसकी, इसी वायर को मैं इस तरफ घुमा के इधर लेके आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक इसके वॉल्यूम कंट्रोल तक यहाँ पर ये लेके आना, जो कंट्रोलर हमने लगाया हुआ है। अभी इतना जो स्पेस बाकी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं कनेक्शन इसके करता हूँ। तो आप वायर ले लें, कोई भी वायर आप ले सकते हैं। तो पहले एक साइड में आपने इसको फिक्स कर लेना है पेस्ट लगाकर, क्योंकि इससे जो है शोल्डरिंग अच्छी तरह पकड़ कर लेता है अगर आप पेस्ट यूज़ करें तो। तो एक तरफ वायर लगाने के बाद आपने दूसरी तरफ भी कनेक्शन इसका कर लेना है। जैसे जैसे ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह से ऊपर लाइन आई हुई है, उसी तरीके से आपने नीचे जो है कनेक्शन करने हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखें कहीं भी दूसरी जगह पे वो टच ना हो। तो शोल्डरिंग आयरन की मदद से इस साइड से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्शन ये हमारा पूरा हो गया, लेकिन अब इसके साथ में आप शोल्डरिंग शोल्डर लेकर और शोल्डरिंग आयरन को साथ में रखें, और जितना शोल्डर वहाँ पे अपने आप पकड़ कर लेता है उतना वहाँ पे लगा दें, क्योंकि इससे क्या होगा हाई वोल्टेज भी अगर आप वहाँ पे देंगे तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी, और एक्स्ट्रा वायर को आप कट कर दें। तो इसी तरीके से सारे कनेक्शन आपने करने होते हैं, और शोल्डर आप अच्छा यूज़ करें, घटिया क्वालिटी का यूज़ ना करें कि जो हीट होने के बाद दिक्कत ना आए आपको। वैसे ही इस सर्किट में कोई भी हीट की ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर आप ट्रैक जो है बिल्कुल सही यूज़ करेंगे। तो उसके बाद फिर से आपने इस तरीके से जहाँ या कुछ दिक्कत लगे आप शोल्डरिंग आयरन से उसको फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से शोल्डर हमारा यहाँ पे लग जाता है, और कितनी बढ़िया लाइन जो है बन गई है। तो इस तरीके से पूरे कनेक्शन में अभी कर लेता हूँ, और पूरा रेडी करने के बाद फिर हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो जो भी वायर पहले जो कंपोनेंट्स के वो वायर आप यूज़ करें, उसके बाद एक्स्ट्रा वायर लगा के आप कनेक्ट करें। तो दोस्तों सर्किट हमारा जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। बस आपने ये ख्याल रखना है कहीं भी इधर उधर जो है ये टच ना हो। अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मीटर से इसको चेकिंग कर सकते हैं कहीं ये टच नहीं हो तो नहीं गया, क्योंकि हाई लोड के लिए हमने बनाया और एसी के ऊपर डायरेक्ट हमने काम इससे लेना है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी आप इसमें रखें। तो अभी हम इसके ऊपर लोड डाल के देख लेते हैं। मैंने BTA 41 लगाया है, तो मैं एक ड्रिल का लोड इसके ऊपर डालूंगा जिससे मैं आपको उस ड्रिल को कम या स्लो करके दिखा सकूं। इसके अलावा मेरे पास हीटर वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस एक बात का आप ख्याल रखें कि ये जो कनेक्टर है ये भी हाई एम्पियर का ही आप यूज़ करें, जितने एम्पियर आपने लेना है। हाँ, अगर आप नॉर्मल फ़ैन या कूलर के लिए बना रहे हैं तो आप छोटा कनेक्टर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कनेक्टर नहीं तो डायरेक्ट वायर भी आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, ये कनेक्टर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक ड्रिल के साथ हम इसको चेक करके देखते हैं। ऐसे बोलूँगा इस पर दोस्तों, मैंने ये लगा लिया ड्रिल। आप देख सकते हैं ये हमारी जो 220 वोल्ट की लाइन है, तो इसमें से एक लाइन तो हम डायरेक्ट ड्रिल को हमने दे दी है, और उसके बाद एक जो हमारी इस हमारे सर्किट में गई है, और उस सर्किट से वापस जो है हमने ड्रिल में दिया, मतलब एक तरह सीरीज़ में इस सर्किट को हमने इसके साथ में यूज़ करना है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और इसको मैं परमानेंट ऑन कर देता हूँ, इसको स्लो कर देता हूँ। फिक्स ऑन है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये बंद है। मैं धीरे धीरे इसको जो है चलाता हूँ, कितनी स्लो ये चल रही है अभी, बिल्कुल भी स्लो है। जैसे जैसे मैं इसको फास्ट करूँगा वैसे वैसे ये तेज होती जाएगी। बिल्कुल बंद हो चुके, बिल्कुल लास्ट में थी, तो काफ़ी लोड लगती है। जैसे मैं थोड़ा सा रखता हूँ धीरे धीरे,
देखा दोस्तों आपने इतना छोटा सा सर्किट कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और सिर्फ ट्रैक चेंज करके आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन लोड इंडक्टिव होना चाहिए, बल्ब है, हीटर है। तो ड्रिल में मेरे पास और कुछ था नहीं, ड्रिल के साथ ही मुझे लगा के दिखाना पड़ा क्योंकि मेरे पास हीटर वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो बड़े आराम से हीटर भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, जितने वाटेज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ये ट्रैक चेंज करें, बाकी सर्किट आपको एज इट इज रखना है। तो इसी तरीके से पीसीबी आप डिज़ाइन कर लें, कोई भी दिक्कत आपको ये बनाने में नहीं आएगी। तो बाहर से कॉस्टली सर्किट लेने के बजाय आप ये घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।